हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शिखा में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 साल के बच्चे के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, इसको देखने के बाद आप आसानी से कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 9.5 इंच रखनी है, क्योंकि 8 इंच इसकी फिटिंग का निशान लगेगा और 1.5 इंच इसमें हमें एक्स्ट्रा रखनी है। तो ये देखिए, हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो इसकी जो लेंथ है हमें वो बनानी है 21, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और हमें 23 पे मार्क करना होगा। अब इसको स्केल की हेल्प से इस तरीके से कर देंगे लंबा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को अलग रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्स्ट्रा कपड़े को भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसकी तीरे की नाप लेंगे। तो इसका जो तीरा है वो है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। देखिए, अब हमें इसका आर्म होल लेना है। तो इसका जो आर्म होल है वो हम लेंगे 5.5 इंच। ये कुर्ता 4 से 5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। इस तरीके से आप बनाकर देखिए, बिगनर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, अब हम इनको आपस में मार्क कर लेंगे इस तरीके से, स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। तो इसकी जो हमें फिटिंग रखना है, चौड़ाई रखनी है, वो हमें 8 इंच रखनी है। अब हमें ये देखना है कि हमें इसके चाक कहाँ तक रखने हैं। तो हमें इसके जो चाक हैं वो 10 इंच रखने हैं। 10 इंच पर मार्क लगाएंगे, 10 इंच पर एक मार्क करेंगे। देखिए, अब यहाँ से हमें 8.5 इंच रखना है, तो 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, अब इसका जो आर्म होल है उसकी शेप देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से हल्की सी गोलाई देनी है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इस कुर्ते में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो इसका जो गला है वो 5.5 इंच है, तो उसका हाफ यानी 3.25 इंच लगेगा। तो 3.25 पर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। गले की कटिंग हम दोनों पार्ट को, अगले और पिछले को अलग करके करेंगे, क्योंकि इसका बैक वाला जो गला है वो 1 इंच का बनेगा और अगले वाला जो गला है वो 3.5 इंच का बनेगा। 0.5 इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। तो चलिए अब कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कुर्ते की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम दोनों पीस को अलग करेंगे और इसके फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग करेंगे। अब इसका जो नेक है वो बनाना है हमें आगे से 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे तरीके से। अब हम इसको गोलाई में शेप दे देंगे। ये देखिए,
अब इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से कुर्ता जरूर बना कर देखिए, बड़ा अच्छा कुर्ता बनता है। और जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती, मेरी वीडियो को देखकर वो भी आसानी से कुर्ता बना सकते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। 1/3 इंच पर जितना हमने गला बनाया है उस पर निशान लगाकर, अब यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई लेंगे। अब इस तरीके से आप चाहे तो बॉक्स बनाकर भी गहराई दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमें गोल शेप देनी है। अब हम इसका भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कुर्ते की परफेक्ट कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई 14 इंच है क्योंकि हमें 12 इंच की बाजू चाहिए, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आगे से फोल्ड होगा और पीछे से सिलाई में आएगा। तो ये देखिए ये हमें 7 इंच का निशान लगाएंगे, हमें 7 इंच की बाजू चाहिए। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको एक गोलाई में शेप में दे देंगे। देखिए गोलाई की शेप में दे देंगे। आगे से हमें ये 4 इंच रखनी है, तो हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे। ये देखिए। तो चलो अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज़।